मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और ऐसे ही एक बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, दालचीनी। मेथी दाने के बाद दूसरी सबसे अच्छी दवा जो मुझे नजर में आई है वो दालचीनी। एक दालचीनी से लगभग 43 रोग ठीक होते हैं, अकेली दालचीनी। दालचीनी तो आप जानते हैं, वो उसको पीस के पाउडर बना लो, तज कहते हैं शायद उसको, तज कहते हैं यहाँ, दालचीनी कहते हैं। हाँ, ये वही है ना सिनामोन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, तो ये अद्भुत है दालचीनी। हार्ट के पेशेंट को दे दो, इसका काढ़ा बना के बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, दालचीनी का काढ़ा पीना शुरू करो। ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो दालचीनी का काढ़ा पियो, थोड़ा गुड़ डाल के पियो। अगर आपको बहुत अच्छे पेट खराब रहते हैं, माने ज़्यादा दिन पेट खराब रहता है, दालचीनी लेना शुरू करो। पेट के साथ ये संधिवात रहता है तो दालचीनी ले लो, कब्जियत रहती है तो बहुत काम आती है दालचीनी। मोटापा बढ़ गया है तो दालचीनी का उपयोग कर लो, बहुत अच्छे ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की जाए। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया। धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है, माने खून की कमी है, तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पियो। और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आता है थायराइडिज्म। अगर हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या हाइपोथायराइडिज्म है, घटा हुआ है, दोनों ही स्थिति में सूखे धनिये को पानी में डालो, पानी को उबालो और सवेरे सवेरे घूट घूट पियो, तो लगभग 20-25 दिन में सब तरह का थायराइड खत्म कर देता सूखा धनिया।